सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको संख्या की भस्म बनाने की विधि बताने जा रहा हूं, जो कि शास्त्रोक्त है। और सबसे बड़ी बात कि इसका दूसरी विधियों से बनी हुई भस्मों से की तरह कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बिल्कुल जो हमारे आधुनिक आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों की विधि से इसका मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले शुद्ध संख्या। शुद्ध करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ऐसे थोड़ा ब्रीक करके इसको दूध में 3 घंटे तक दौड़ा जंत्र करना पड़ता है, फिर ये संख्या शुद्ध हो जाता है। अब इसकी खरल करेंगे हम अकेले की 3 से 4 घंटे। और इसकी जो मात्रा है वो 1 से 2 चावल है। सबसे बड़ी बात कि ये गर्मी नहीं करता है। गर्मी क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें मुक्ता शुक्ति भस्म मिला देंगे। और कब्ज रोगियों के लिए और पेट की समस्या वाले रोगियों के लिए ये बहुत रामबाण है। इसके अलावा नामर्दी, मर्दाना कमजोरी और समय का अभाव, जिसे हम अर्ली डिस्चार्ज बोलते हैं, उसमें भी अच्छा कार्य करेगी और काफी रोगों में अच्छा कार्य करती है। अभी मैं इसको बिल्कुल बारीक कर रहा हूँ। तो फिर हम इसको जो है आग के पत्तों के रस में खरल करना है। ध्यान रहे कि इसको आग के दूध में खरल नहीं करना है, हमने आग के पत्तों के रस में खरल करना है। तो आग के जो पीले पत्ते होते हैं, पीले पत्ते तोड़ लेने हैं हमने और उनका रस निकालना है। पीले पत्तों का रस निकालना है। और ये 2 तोड़े हमारा संख्या है, यानी 20 ग्राम। इसमें 4 तोड़े हम मुक्ता शुक्ति भस्म, मुक्ता शुक्ति जो कि मोती सीव की भस्म होती है, वो डालेंगे। आसान विधि है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे संख्या बनाने में 3-4 प्रोसेस होते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोसेस में ये तैयार हो जाती है। दूसरा, जैसे संख्या के देखने में आता है कि ज़्यादातर बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा, कई बार अनजान पड़े में कई लोग बना लेते हैं, तो वो संख्या गर्मी बहुत करता है। तो इसमें गर्मी करने वाली समस्या नहीं रहेगी। कारण क्या है कि इसमें हमने एक पीछे वीडियो डाली थी, आपने, आपको ध्यान होगा, मुक्ता शुक्ति भस्म हमने मेहंदी के पत्तों में तैयार की थी। तो इस तरीके से वो ठंडी विधि से बनी हुई भस्म है, वो इसमें हम इसके साथ जज्ब कर देंगे। सबसे पहले हम इसको ब्रीक करेंगे संख्या को। कल इसको शुद्ध किया है। अब इसकी कुटाई करेंगे अकेले की 3 से 4 घंटे। फिर इसकी उक्ता शुक्ति भस्म डाल के उसके बाद 8 से 10 घंटे फिर कुटाई करेंगे।
इस विधि से बनाई हुई संख्या बस में नुकसान नहीं करती है कभी भी। अब इसको जो आग है ना, आग के पत्ते तोड़ने हैं हमने, पीले पत्ते जो कि संख्या बस में डलेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि पीला पत्ता हमने कैसे तोड़ना है। जैसे ये पत्ते हैं, पीले हैं, इनमें से दूध नहीं निकलेगा, इस तरीके से पत्ता तोड़ना है तो रस उसका बहुत अच्छा रस निकलता है, लेकिन इसमें हमने दूध नहीं डालना है। जो पत्ते ज़्यादा नीचे की तरफ हों वही तोड़ने हैं। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा दूध है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा दूध नहीं है, इसमें से रस अच्छा निकल जाएगा। यानी बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो पत्ता बिल्कुल जड़ की तरफ हो वही तोड़ना है, अगर कभी रस निकालना हो तो। ठीक है ना, इसी को समझाने के लिए मैंने ये क्लिप बनाई है कि ज़्यादा ऊपर से जहाँ से ना तोड़े, दूध निकालना हो तो जहाँ से तोड़ लें और रस निकालना हो तो नीचे से तोड़ लें। तो इससे संख्या बस हम बढ़ाएंगे। ये आपके पत्तों का रस हमने निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे हम मुक्ता सुक्ति जो कि पहले बनी हुई है अपने पास है। तो इसको डालना है हमने 40 ग्राम। ये दिखाता हूँ मैं आपको सारा प्रोसीजर। चालीस ग्राम उक्ता शुक्ति, 20 ग्राम संखिया यानी संबलपार। तो ये शास्त्रोक्त मर्यादा से बनाएंगे, बिल्कुल रसतंत्र सार का ही योग है। ये देखिए, बिल्कुल ये 40 ग्राम है और ये 20 ग्राम हमारा संबलभार यानी कि संख्या। तो इसको पहले अकेले को खरल किया है 4-5 घंटे, अब संख्या और साथ में हमने जो डाली है मुक्ता शुक्ति, तो अब इन दोनों को खरल करेंगे। अच्छी प्रकार से जब ये जक जान हो जाएंगी तो थोड़ा 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 ये आग के पत्तों का रस डालते जाएंगे और फिर इसको लगभग 8 घंटे या जितना भी सहूलियत हो, कम से कम 6 से 8 घंटे तक का आप जितना चाहें उतना खरल कर लें इसको। तो ये संख्या बस में जो है बिल्कुल भी इसका विकार पैदा नहीं करती है, ये सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसमें दुगुनी से ज़्यादा मुक्ता शुक्ति बासम इसीलिए डाली जाती है ताकि ये गर्मी ना करे। अब इसको कुछ समय अकेले खरल करना है, फिर इसमें
आपकी आग के पत्ते डाल आग के पत्तों का रस डाल डाल के खल करते जाएंगे। एक जान करना जरूरी है इसको, तो मैं अगली क्लिप में फिर दिखाता हूँ आपको। तो अभी ये बिल्कुल एक जान हो गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आग के पत्तों का रस डालते जाएंगे। आग के पत्तों का रस है ये अकौवा, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको खल करेंगे। सबसे आसान विधि है, कोई अनजान से अनजान व्यक्ति भी इसको बना के अपने प्रयोग में ले सकता है, अपने क्लिनिक पे रख सकता है। ख़ास तौर पे नामर्दी, नपुंसकता, टाइमिंग की कमी और नसों की वीकनेस, कमजोरी, सांस, काश, ये बहुत से रोगों में लाभकारी है। सबसे बड़ी बात कि इसका कोई विकार नहीं है, क्योंकि ये रसतंत्र सार का योग है और हम उसी विधि से बना रहे हैं इसको। रसतंत्र सार में तीन विधियां हैं, तीनों विधियां अलग अलग हैं और ये तीनों विधियों में सबसे आसान विधि है। अब इसको जोरदार हाथों से 7-8 घंटे गोटाई करेंगे बिल्कुल। फिर जब ये टिक्की बनाने के काबिल हो जाए तो इसको टिक्की बनाएंगे। फिर सुखा के थोड़ी उपलों की आग देनी होती है। यानी हमारे पास 2 तोड़े संख्या था, 4 तोड़े हमने मुक्ता शुक्ति भस्म डाल दी इसमें, यानी उससे दुगनी भस्म डाल दी है जो मुक्ता शुक्ति है। और इसको 3-4 किलो की उपलों की आग काफ़ी है, बहुत ज़्यादा उपलों की आग संख्या में नहीं दी जाती है। अब लगभग इसको 3 घंटे हो चुके हैं खर्ल करते हुए। अभी 3 घंटे कम से कम और खर्ल करेंगे ताकि आग के पत्तों का रस जितना ज़्यादा हो सके उतना इसमें जज्ब हो जाए और फिर इसके रिजल्ट जो है संख्या भस्म के बहुत अच्छे मिलेंगे। जितनी खरल हो जाएगी अच्छे तरीके से, जितना आग के पत्तों का रस इसमें जज्ब हो जाएगा, उतने ही बेहतर रिजल्ट इसके मिलेंगे। अभी 2-3 घंटे लगभग और खरल करके फिर इसकी टिक्कियां बना लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें संखिया और मोती सीप की भस्म है।